नमस्कार, दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अशिम कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले सिनॉप्टिक सिस्टम देखते हैं। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, ये देखिए कि यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ट्रफ रेखा या पश्चिमी विक्षोभ का एक तरह से यहाँ पे दिख रहा है, और साथ ही साथ आप देखेंगे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के पास दिख रहा है, और एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड के पास आपको यहाँ पे दिख रहा है। और अब देखेंगे बादलों का जो समूह है वो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में एक विस्तारित रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम अरब सागर की बात करें, अरब सागर में भी आप देखेंगे, आप ये देखिए क्लाउड का जो एक 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 तरह से विशाल समूह आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है महाराष्ट्र के तटीय भाग में, ये देख लीजिए यहाँ पे, और एक ऑफशोर ट्रफ की भी यहाँ पे स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। अब अगर हम बात करें ऑफशोर ट्रफ के कारण जो पश्चिमी तटों पर पिछले 3-4 दिनों से भारी वर्षा हो रही है, अगर हम बात करें आने वाले दिनों की, तो आने वाले 4 दिनों के दौरान भी ये जो भारी वर्षा या तीव्र वर्षा है पश्चिमी तट पर जारी रहने जा रही है। और उत्तर पश्चिम भारत में जैसा कि हमने बताया अभी यहाँ पे कोई बादलों की स्थिति नहीं है। अब 26 जून तक उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भारत में बारिश की जो गतिविधि है अब उसमें कमी रहेगी। अगर हम मानसून की अगर स्थिति देखें, देखिए आज अगर मानसून की स्थिति 24 जून की अगर हम बात करें, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून 22 डिग्री और 60 डिग्री से एक छोर आरंभ हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा और ये चूर्क तक 27 डिग्री और 84 डिग्री इस तक यहाँ पे स्थित है। इसका मतलब ये देखेंगे धीरे धीरे यहाँ तक मानसून की स्थिति अभी यहाँ तक आज बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारी से भारी वर्षा हुई है तटीय कर्नाटका में, कोंकण, गोवा, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। भारी वर्षा की बात करें उत्तर प्रदेश, वेस्ट मध्य प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, निकोबार आइलैंड, बिहार, उड़ीसा में हुई है। संख्यात्मक रूप में देखेंगे कोंकण एंड गोवा में देखेंगे, ये देखिए नॉर्थ गोवा वालपोई में 14 सेंटीमीटर दर्ज हुआ है। अगर कर्नाटका की बात करें होनावूर में 15 सेंटीमीटर, केरला की बात करें 9 सेंटीमीटर कुमाराकोम में, कोट्टायम में दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग की अगर हम बात करें गोरखपुर में 8 सेंटीमीटर दर्ज हुआ है। अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें उज्जैन में 10 सेंटीमीटर, बिहार, उड़ीसा और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी भारी वर्षा दर्ज हुई है। अगर हम बात करेंगे जो लोअर लेवल पर जो ईस्टर्लीज जो चल रही है उसके मुख्य रूप से अगर हम पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की अगर हम बात करें, वर्ष जो एक तरह से बारिश की गतिविधि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 27 जून से एक तरह से देखने को मिल सकती है या बढ़ने जा रही है। अगर स्कैटर्ड टू एक तरह से वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 27 और 28 जून को देखने को मिल सकती है। पश्चिमी तटीय में जैसे हमने बताया ऑफशोर ट्रफ बना हुआ है, ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, महाराष्ट्र कोस्ट, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली जो पश्चिमी हवाएं हैं, और जो वेस्ट कोस्ट में जो लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे जो एक तरह से ऑफशोर ट्रफ का निर्माण हुआ है जिसके फलस्वरूप महाराष्ट्र के, खासकर हम बात करें मध्य महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण गोवा, कर्नाटका, केरला, माहे, वर्षा की गतिविधि यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी साथ साथ 5 दिनों तक देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें कोंकण गोवा कोस्टल कर्नाटका केरला में ये स्थिति 5 दिनों के लिए रहेगी। 24 से 27 की अगर बात करें ये जो स्थिति रहने जा रही है ये कोंकण गोवा गुजरात के लिए रहेगी। अगर मध्य महाराष्ट्र की बात करें 24, कोस्टल आंध्र प्रदेश 24, और अगर हम बात करें कोस्टल गोवा, अगर बात करें कोंकण गोवा कोस्टल कर्नाटका में 24 से 26 जून तक देखने को मिल सकती है। घाट एरिया जो मध्य महाराष्ट्र के घाट एरियाज की अगर हम बात करें 24 से 25 जून, और दक्षिणी गुजरात के भाग में 25 जून को आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल जिसको कह सकते हैं भारी वर्षा आइसोलेटेड जगह में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करेंगे अब पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी राज्यों की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो उत्तर पूर्व राज्यों में 5 दिनों तक वाइड स्प्रेड रेनफॉल चलता रहेगा। अगर हम बात करें भारी से भारी वर्षा सभी मरण वेस्ट बंगाल में 26 से 28 और अरुणाचल प्रदेश में 27 से 28 जून को भारी से भारी वर्षा आइसोलेटेड जगह में देखने को मिल सकता है। ये हमारे 5 दिनों के पूर्वानुमान के मैप, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत में भी 2-3 दिनों तक 26 तक हरे रंगों से दिखाया गया, हालांकि उसके बाद धीरे धीरे उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश में वर्षा की गतिविधि देखने को मिल सकती है। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए।